मंडी जिला में अब केवल नाइट कर्फ्यू होगा जो आगामी आदेशों तक हर रोज रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक लागू रहेगा। उपायुक्त मंडी ऋग्वेद ठाकुर ने जानकारी देते हुए बताया कि मंडी जिला वासियों से कोरोना से बचाव को लेकर सभी जरूरी सावधानियां बरतने की अपील की जा रही है। उन्होंने पत्रकारों के साथ बातचीत करते हुए कहा कि अभी कोरोना का संकट हटा नहीं है और न ही घटा है, इसलिए संक्रमण से बचाव व सुरक्षा के लिए सकारात्मक व सावधानी बरतें। ऋग्वेद ठाकुर ने कहा कि जिला मंडी में सुबह 6 बजे से लेकर रात 8 बजे तक कर्फ्यू में रियायत रहेगी। इस अवधि में सरकार की ओर से कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर सभी जरूरी हिदायतों का पालन करने के लिए विभिन्न गतिविधियां भी की जाएंगी। वहीं इस दौरान मंडी जिला से पूरे प्रदेश में किसी दूसरे जिला में आने जाने के लिए अब कोई भी पास की जरूरत नहीं है। इस कोरोना वायरस के दौर में जहाँ लॉकडाउन की घोषणा की गई थी मार्च में, उसको लेकर अब 2-2.5 महीने हो गए हैं और अभी हम अनलॉकिंग की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसमें कि भारत सरकार ने अपनी कुछ गाइडलाइंस रिलैक्सेशन के निकाले हैं। साथ ही साथ जो स्टेट गवर्नमेंट है उन्होंने भी गाइडलाइंस निकाली है, जिसमें कि रिलैक्सेशन दी गई है और आने वाले दिनों में कुछ रिलैक्सेशन प्रपोज। आज के दिन में मैं आपके माध्यम से सभी लोगों से यह अपील करना चाहूंगा कि कोरोना वायरस का जो खतरा है वो ना तो हटा है और ना ही वो अभी घटा है। इस चीज को हमें ध्यान में हमेशा रखना चाहिए। लॉकडाउन करने के कुछ एडवांटेजेस रहे हैं, जो हिदायतें दी हैं, जिसमें कि हम बार बार वही दोहरा रहे हैं कि 3 चीजें हैं, जिसमें कि फेस कवर, सोशल डिस्टेंसिंग और फ्रीक्वेंट हैंड वॉश, ये हर व्यक्ति ने सुनिश्चित करनी है। अगर इसमें कहीं पर भी किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा लापरवाही होती है, उसका जो पेनल एक्शन है या उसको जो उसका खामियाना भुगतना पड़ेगा, वो उसको खुद को ही नहीं उसके परिवार को समाज को भी भुगतना पड़ सकता है। दूसरा जो मेन रिलैक्सेशन दी गई है वो इंटर डिस्ट्रिक्ट अब जो मूवमेंट है वो बिना पास के हैं, तो लोग एक जिले से दूसरे जिले में बिना पास के जा सकते हैं। मूवमेंट का समय, क्योंकि पूरे प्रदेश में कर्फ्यू रिलैक्सेशन का टाइम एक जैसा ही है, सुबह 6 बजे से लेकर रात 8 बजे तक, तो सभी लोगों से अपील है कि आप अपनी अपनी ट्रैवल इस पीरियड में सुनिश्चित कर लें, 8 बजे से पहले अपने घर पहुंच जाएं ताकि आपको कर्फ्यू के पीरियड में आपकी मूवमेंट ना हो। तो ये रिलैक्सेशन जो दी गई है इंटर डिस्ट्रिक्ट मूवमेंट की, जिसमें कि पासेस अब पूरी तरीके से हटा दिए गए हैं, तो लोग फ्रीली मूव कर सकते हैं। तो तीसरा मेन पॉइंट इस रिलैक्सेशन में आया है कि बाहर के राज्य से अभी अगर किसी ने हिमाचल में आना है तो वो पास के साथ ही आना है, जिसके लिए लोग हिमाचल की डीआईटी की साइट है COVID-19 ई पास, उस पर अप्लाई कर सकते हैं और पास के साथ ही वो यहां पर आए। इसका रीजन ये भी है कि हमें पता चले कि बाहर से कौन लोग आ रहे हैं, कहां से आ रहे हैं, और उस तरह से हम उनको क्वारंटाइन में रख सकते हैं, बाकी अरेंजमेंट भी कर सकते हैं। तो बाहर से किसी ने भी अगर अंदर आना है तो पास लेके आना है।